तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरे तरफ से तो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा स्पेशल तो है ही, इसलिए आज की वीडियो मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों को आज इतने अच्छे अच्छे अपडेट सुनाऊंगा जिनको सुनकर आपका दिन जो है वो और अच्छा हो जाएगा। इसलिए मैं सच कह रहा हूँ, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ही मजा आएगा। साथ ही अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को जाके लाइक नहीं किया है तो जाके लाइक कर दो, क्योंकि आज के अपडेट्स काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। साथ साथ अगर आप लोगों को फ्यूचर में भी ऐसी अमेजिंग एनिमे अपडेट चाहिए तो आप लोग इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि हम लोग 40K सब्सक्राइबर्स के भी काफ़ी ज़्यादा नजदीक हैं। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे तो 40K भी कंप्लीट होंगे और आप लोगों को अच्छे अच्छे अपडेट्स भी सुनने को मिलेंगे। साथ इसके अलावा अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम लोग बात करें एनिमे अपडेट्स के बारे में। तो विस्पर मी ए लव सॉन्ग का जो एनिमे है वो एयर होने वाला है अप्रैल 2024 में। साथ इसके अलावा विट स्टूडियो की तरफ से एक और न्यू एनिमे आने वाला है जिसका नाम है ग्रेट प्रिटेंडर। तो स्टूडियो विट वाले हम सभी के साथ इस एनिमे की न्यू इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं इस साल के एनिमे के न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन इवेंट में, जो की होने वाला है 18 नवंबर 2023 में। साथ इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो की आता है द विचर सीरीज ऑफ द डीप के एनिमे को लेकर, जो की एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल एनिमे होने वाला है और बेसिकली इसका एक नया ट्रेलर आ चुका है नेटफ्लिक्स की तरफ से। साथ साथ ये नेटफ्लिक्स ऊपर आने वाला है लेट 2024 में, जो कि प्रोबेबली शायद आप लोगों को ये एनिमे अगले साल के नवंबर या फिर दिसंबर में देखने को मिले। हालांकि आप हम लोग नेटफ्लिक्स के अपडेट के बारे में बात कर ही रहे हैं तो नेटफ्लिक्स के एक और एनिमे के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर नेटफ्लिक्स वालों ने एक और न्यू एनिमे का ट्रेलर रिलीज किया है जिसका नाम है स्कॉट पिलग्रिम। और अगर आप लोग इसका नाम पहली बार सुन रहे हो तो मैं आप लोग बता दूं कि ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ग्राफिक नॉवल्स में से एक है और अब फाइनली इसको नेटफ्लिक्स की तरफ से एक एनिमे सीरीज भी मिलेगी जिसका एक न्यू ट्रेलर नेटफ्लिक्स वालों ने अभी रिलीज किया है, तो आप लोग जाकर इसके नए ट्रेलर को चेकआउट कर सकते हो। हालांकि इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आता है ओमेगल को लेकर। तो यहाँ पे जो लोग भी यूट्यूब के ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते होंगे उन्हें पता होगा इस ऐप के बारे में, जिसके अंदर हम लोग काफी सारे स्ट्रेंजर से बात कर सकते हैं और यहाँ पर आप लोगों ने काफी सारे इसके रिलेटेड फनी वीडियोस भी देखी होगी। तो यहाँ पर ओमेगल को लेकर ही एक न्यूज आई है, क्योंकि ओमेगल की जो साइट थी वो अब ऑफिशियली बंद हो चुकी है और ये कोई टेम्पररी क्लोज नहीं हुई है, ये हमेशा के लिए ही बंद हो चुकी है। मतलब अगर आप लोग को रिप ओमेगल लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो कमेंट में जाके। हालांकि इसके बाद हम लोग फिर से अपने एनिमे अपडेट्स के ऊपर बढ़े। तो मैशली मैजिक एंड द मसल का जो एनिमे का सीजन 2 है उसका ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है और साथ ही न्यू ट्रेलर के साथ हम लोग को इसका एक नया की विजुअल भी देखने मिला है जो कि काफी ज्यादा कमाल का है। साथ साथ अगर आप लोगों को जानना है कि इसका सीजन 2 कब आने वाला है तो मैं आप लोग बता दूं कि इसका सीजन 2 ब्रॉडकास्ट होने वाला है जनवरी 2024 से और ये भी मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को क्रंची रोल पर देखने मिलेगा, जो कि हिंदी डब में भी ऑब्वियसली बातें आएगा, क्योंकि सच कहूं तो ये इस साल में मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट एनिमे में से एक है। हालांकि मैं यहां पर आप लोग से पूछना चाहता हूं कि आप लोग मैशली एंड द मैजिक एंड द मसल के सीजन 2 के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं। साथ ही इसके अलावा हम लोग फॉल 2023 के टॉप रैंकिंग्स के बारे में बात करें, जिसमें सबसे पहला है फ्रेरन बियॉन्ड जर्नीज और उसके बाद और भी बहुत सारे एनिमेज है जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। साथ इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आता है जुजुत्सु काइसेन के एनिमे को लेकर। तो जुजुत्सु काइसेन का सीजन 2 का एपिसोड 16 अगर आप लोगों ने देख लिया है तो आप लोग को वो एपिसोड शायद पसंद आया होगा और अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड बहुत ज्यादा अच्छा लगा है तो यहाँ पर मैं आप लोग बता दूं कि यहाँ पे आप अकेले नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर लिटरली बहुत सारे लोगों को ये एपिसोड पसंद आया है और लिटरली ये एपिसोड सबको इतना ज्यादा पसंद आया कि इसको 9.9 की रेटिंग मिल चुकी है। मतलब देखा जाए तो आजकल जुजुत्सु काइसेन के जितनी भी एपिसोड्स आ रहे हैं उनको काफी अच्छी रेटिंग मिल रही है। इससे पहले भी मुझे याद है कि किसी एपिसोड को इतनी ही अच्छी रेटिंग मिली थी और अब यहाँ पे सीजन 2 के एपिसोड 16 को भी इतनी अच्छी रेटिंग मिल रही है। साथ इसके अलावा हम लोग बात करें नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आता है ड्रैगन बॉल दाइमा के एनिमे को लेकर। तो जैसे आप लोग पता होगा कि ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर हम लोगों को ना के बराबर ही खून खराबा देखने को मिला था, जो कि जब उस टाइम आया था तो उस टाइम काफी सारे फैंस ने इसको लेकर शिकायत की थी कि हम लोग को पुराने स्टाइल में ही ड्रैगन बॉल चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करें अपने ड्रैगन बॉल दाइमा के एनिमे के बारे में, जिसको सुन के आप लोग लगा होगा कि शायद इसके अंदर भी खून खराबा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग भी ऐसा सोच रहे हो तो आप लोग बिल्कुल गलत हो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को सोर्सेज तरफ से कंफर्म हो चुका है कि ड्रैगन बॉल दाइमा के अंदर ब्लड रिटर्न करेगा। मतलब आप लोग ड्रैगन बॉल दाइमा के एक्शन के साथ साथ खून खराबे को भी एंजॉय कर पाओगे, जो कि काफी ज्यादा कमाल की बात है ही ड्रैगन बॉल फैंस के लिए। हालांकि आप लोगों के ओपिनियन इस न्यूज को लेकर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बता देना। साथ इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आता है कुछ मांगा के अपडेट्स को लेकर। जैसे कि हम लोग बात करें ड्रैगन बॉल के ही मांगा के बारे में, तो जैसे कि अगर आप लोग ड्रैगन बॉल सुपर के मांगा को फॉलो कर रहे होगे, जो कि आजकल अभी काफी ज्यादा बोरिंग चल रहा है, लेकिन स्टिल अगर आप लोग ड्रैगन बॉल सुपर के मांगा को रीड कर रहे हो तो आप लोगों को पता ही होगा कि ड्रैगन बॉल सुपर के मांगा के अंदर अभी सुपर हीरो आर्क चल रहा था और अब यहाँ पे जो लोग भी सुपर हीरो आर्क से बोर हो चुके हैं उनके लिए यहाँ पे अब काफी अच्छी न्यूज है, क्योंकि यहाँ पे सुपर हीरो आर्क जो है वो फाइनली अब खत्म होने वाला है और अब फाइनली ड्रैगन बॉल सुपर का जो चैप्टर 100 होने वाला है उसके अंदर एक न्यू मांगा आर्क स्टार्ट होगी, जो कि मेरे हिसाब से तो फैंस शायद इसी चीज का इंतजार कर रहे थे कि सुपर हीरो आर्क कब खत्म होगा, क्योंकि यहाँ पे लिटरली मैंने देखा है कि काफी सारे फैंस जो है वो ड्रैगन बॉल की न्यू आर्क का इंतजार कर रहे थे और अब फाइनली हम लोग को ड्रैगन बॉल का एक न्यू आर्क देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हो सकता है कि शायद वेजिटा गोकू के ऊपर फोकस
किया जाए। और सच कहूँ तो ये साल खत्म होने से पहले ही हम लोग को ड्रैगन बॉल सुपर फैंस के लिए तो अच्छी न्यूज आ गई है, जो कि सच कहूँ तो मैं ड्रैगन बॉल फैंस के लिए काफी ज्यादा खुश हूँ। हालांकि यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें, जो कि आता है वन पीस की मांगों को लेकर। तो वन पीस का जो वॉल्यूम 107 है, जो कि अभी हाल फिलहाल में ही रिलीज हुआ है, तो यहाँ पर मैं आप लोग बता दूं कि जो वन पीस का वॉल्यूम 107 है उसने कुल मिला के 8,90,494 कॉपी सोल्ड की है, जो कि इसके फर्स्ट वीक के रिलीज के 4 दिन की सेल्स है, जो कि काफी ज्यादा बुरी है। मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने जो सुना है वो सच है, क्योंकि यहाँ पे अगर वन पीस के बाकी वॉल्यूम्स की सेल्स को देखा जाए तो उसकी सेल्स के मुकाबले इसकी सेल्स काफी ज्यादा कम है। और सच कहूँ तो वन पीस का जो वॉल्यूम 107 है उसकी सेल्स इतनी अच्छी इसीलिए नहीं गई क्योंकि इसको अच्छे तरीके से प्रमोट नहीं किया गया था। मतलब बाकी वॉल्यूम्स को काफी अच्छे तरीके से प्रमोट किया गया था, लेकिन इसको उतने अच्छे तरीके से प्रमोट नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पे जो इसकी सेल्स है वो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही। हालांकि ये तो काफी ज्यादा बुरी न्यूज है वन पीस मांगा के लिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग अपने अपडेट के ऊपर बढ़े। तो यहाँ पर हम लोग ने एनिमे अपडेट्स के बारे में बात कर लिया, मांगा के अपडेट्स के बारे में बात कर लिया, लेकिन अब हम लोग बात करते हैं एक अलग ही तरह के अपडेट्स के बारे में, जैसे एनिमे गेम्स के बारे में। तो एनिमे गेम्स के बारे में मैं बहुत कम ही बात करता हूँ चैनल पर, लेकिन अब मैंने सोचा है कि जो भी एनिमे गेम्स की अपडेट आएगी वो भी मैं वीडियोस में कवर करूंगा। जैसे कि सबसे पहले एनिमे गेम के बारे में बात करें, जो कि आता है ब्लैक क्लोवर के गेम को लेकर। तो ब्लैक क्लोवर मोबाइल राइज ऑफ द विजार्ड किंग का जो गेम है वो एंड्रॉइड और आईओएस के अंदर ग्लोबली अवेलेबल होने वाला है 30 नवंबर को। तो यहाँ पे जो लोग भी एंड्रॉइड में गेम खेलते हैं वो सब तैयार रहना 30 नवंबर को। हालांकि इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट गेम के अपडेट के बारे में, जो कि आता है रॉकस्टार गेम्स को लेकर। तो मुझे पता है ये कोई एनिमे गेम नहीं है, बट स्टिल ये काफी ज्यादा पॉपुलर गेम है, क्योंकि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ GTA 5 के बारे में, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग जानते होंगे कि रॉकस्टार गेम्स वही है जिन्होंने GTA 5 के गेम सीरीज को बनाया है। तो GTA 5 के बाद GTA 6 की जो हाइप है वो काफी ज्यादा बढ़ती ही जा रही है। और अब यहाँ पे हम लोग फाइनली बात करें एक ऑफिशियल अपडेट के बारे में, जो कि रॉकस्टार गेम्स ने हम लोगों को खुद दे दिया है। तो रॉकस्टार गेम्स ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी है कि GTA का जो न्यू गेम होने वाला है उसका यहाँ पे बेसिकली जो न्यू ट्रेलर होने वाला है वो दिसंबर के स्टार्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जिसके लिए सच कहूं तो मैं खुद भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। साथ इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट एनिमे के गेम के बारे में बात करें, जो कि आता है जुजुत्सु काइसेन के गेम को लेकर। तो जुजुत्सु काइसेन का सेकंड कोलैबोरेशन होने वाला है आरपीजी गेम्स के साथ। तो बेसिकली यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन का एक नया आरपीजी गेम आने वाला है, जो कि अभी अनाउंस हुआ है फिलहाल के लिए। हालांकि इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट गेम के बारे में, जो कि आता है नारुतो के गेम को लेकर। तो यहाँ पे जो नारुतो गेम्स के फैंस है उनके लिए अच्छी न्यूज है, क्योंकि यहाँ पे नारुतो स्टॉर्म कनेक्शन का जो गेम है वो रिलीज होने वाला है नेक्स्ट वीक फ्राइडे को, यानी 17 नवंबर को नारुतो स्टॉर्म कलेक्शन रिलीज हो जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है। साथ इसके अलावा अभी तक हम लोगों ने अपने एनिमे अपडेट्स, एनिमे के गेम्स और मांगा के बारे में बात कर लिया है, लेकिन अब हम लोग बात करें अपने कुछ एनिमे के लाइव एक्शन सीरीज के बारे में। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करें गोल्डन कामुई के लाइव एक्शन मूवी के बारे में, जिसका टोटल रन टाइम होगा 2 आवर्स 8 मिनट्स। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो गोल्डन कामुई की लाइव एक्शन मूवी का जो रन टाइम होगा वो 2 घंटे तक का होगा, और आई गेस शायद ये वाली मूवी जो है वो जापान में रिलीज हो चुकी है, और शायद हो सकता है कि बाहर की कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा रिलीज हो। हालांकि इसके बाद हम लोग लाइव एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पर नेटफ्लिक्स का नाम ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि सच कहूं तो यहाँ पर लाइव एक्शन सीरीज को लेकर कोई सीरियस हो या ना हो नेटफ्लिक्स वाले काफी ज्यादा सीरियस हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे वन पीस के लाइव एक्शन सीरीज जब से हिट हुई है तब से वो लोग लाइव एक्शन सीरीज अनाउंस करते ही जा रहे हैं। जैसे कि हम लोग बात करें यू 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 हाकुशु के लाइव एक्शन सीरीज के बारे में, जिसका नेटफ्लिक्स वालों की तरफ से एक ऑफिशियल ट्रेलर सामने आ चुका है, और देखने से सच कहूं तो ये ट्रेलर सही लग रहा है। हालांकि यहाँ पे हम लोग बात करें कि ये जो सीरीज है वो आप लोग कब तक देखने को मिलेगी, तो मैं आप लोग बता दूं कि ये वाली जो लाइव एक्शन सीरीज है वो आप लोग देखने को मिलने वाली है 14 दिसंबर को, जो कि मैं इसी साल 14 दिसंबर के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी 2023 के बारे में, क्योंकि ये आप लोगों को इसी साल देखने को मिलेगी, जो कि काफी अच्छी बात है। हालांकि यहाँ पे नेटफ्लिक्स वालों की तरफ से एक और लाइव एक्शन सीरीज अनाउंस हुई है, जो कि है अवतार द लास्ट एयरबेंडर की सीरीज, जो कि आप लोगों ने प्रोबेबली ईटीवी बाल भारत पे देखा होगा इसकी सीरीज को, और अब यहाँ पे इसकी लाइव एक्शन सीरीज बनने वाली है, जो कि नेटफ्लिक्स वाले बना रहे हैं, जो कि सच कहूं तो इसका ट्रेलर मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। हालांकि इसकी रिलीज डेट की मैंने बात करें तो ये रिलीज होने वाला है 22 फरवरी 2024 में। हालांकि यहाँ पे जो मैंने लाइव एक्शन की अभी अपडेट दी है, यहाँ पर काफी सारे लोग ये पूछेंगे कि इनको हिंदी डब मिलेगा कि नहीं, तो देखो जो नेटफ्लिक्स के ऊपर ये दोनों लाइव एक्शन सीरीज आने वाली है, प्रोबेबली हो सकता है कि नेटफ्लिक्स वाले इन दोनों लाइव एक्शन सीरीज को हिंदी डब दे। अब मैं कंफर्म होकर नहीं कह रहा हूँ, ये बस मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है इसका हिंदी डब नहीं भी आए, लेकिन अब ये नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल सीरीज है तो उन लोगों को हिंदी डब तो करना ही चाहिए। हालांकि फिर भी आप लोग इन दोनों लाइव एक्शन सीरीज के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं, आप लोग मुझे कमेंट में जाकर जरूर बता देना। साथ इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है क्रंची रोल को लेकर। तो इंडिया में जब से क्रंची रोल आया है तब से वो एनिमेज ऐड करते ही जा रहा है, और यहाँ पे आप लोग भी सोचते होंगे कि क्रंची रोल के इंडिया के सर्वर पे कितने एनिमेज अब तक ऐड हो चुके होंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोग को इसका आंसर बता देता हूँ कि क्रंची रोल ने इंडियन सर्वर के अंदर कुल मिला के 600 एनिमे टाइटल्स ऐड किए हैं, जो कि सच कहूँ तो काफी सारे ही एनिमेज हैं। मतलब इतने एनिमे देखने का तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। हालांकि सर अभी तक समझ में नहीं आया क्रंची रोल के पास इतने सारे एनिमे टाइटल्स है, लेकिन फिर भी वो लोग इसका एनिमे को ही क्यों डब करते हैं। मतलब मेरे हिसाब से उनके पास इतने सारे टाइटल्स है तो उनको अलग अलग एनिमेज डब करते ही रहना चाहिए। हालांकि ये सारी डिबेट तो चलती रहेगी, लेकिन हम लोग क्रंची रोल के नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें तो क्रंची रोल के ऊपर डॉक्टर स्टोन न्यू वर्ल्ड का जो कोर 2 है वो स्ट्रीम होना स्टार्ट हो चुका है, और साथ ही आप लोगों को नेटफ्लिक्स इंडिया पर भी देखने को मिल जाएगा और एनिमन एशिया पर भी देखने को मिलेगा। हालांकि इसके बाद अब हम लोग क्रंची रोल के कुछ और वेबडेट्स के बारे में बात करें। जैसे क्रंची रोल का जो डिजिटल मांगा का ऐप था मोबाइल के अंदर और वेब के अंदर, वो यहाँ पे मैं बता दूं कि
क्रंचीरोल ने कंफर्म कर दिया है कि वो अब खत्म होने वाला है पूरी तरीके से। मतलब यहाँ पे आप लोग सोचते होंगे कि क्रंचीरोल वाले मांगा कब से पढ़ाने लगे सबको, तो यहाँ पर सच कहूँ तो क्रंचीरोल वाले मांगा भी प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन उन डिजिटल मांगा के ऊपर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता है। इसलिए यहाँ पे क्रंचीरोल वालों ने सोचा है कि इसको वो लोग हमेशा के लिए खत्म कर रहे हैं, जो कि वो लोग 11 दिसंबर को कर देंगे। साथ ही ये तो हम लोगों ने बात किया कि क्रंचीरोल वालों को मांगा के ऊपर कम सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन हम लोग बात करें कि क्रंचीरोल के एनिमीज के ऊपर इंडिया से कितना ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली ये वाला सवाल जो है मुझसे हर बार लोग कमेंट में पूछते रहते थे, तो इसका जवाब मैं आप लोगों को आज दिखा देता हूँ कि इंडिया में उसको कितना अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग एक स्क्रीन पे देख सकते हो जहाँ पे कंट्रीज को रैंकिंग मिली है यूजर के हिसाब से। जैसे क्रंचीरोल के ऊपर अक्टूबर के महीने में कितने सारे यूजर्स आए उसकी लिस्ट आप लोग देख सकते हो। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है अपना नंबर 1 पे, दूसरे पे है ब्राजील, तीसरे पे है जर्मनी, और हम लोग चौथे नंबर पर बात करें तो चौथे नंबर पे है अपना इंडिया, जिसमें कुल मिला के 7.99 मिलियन यूजर्स को दिखाया जा रहा है। मतलब इन टर्म्स ऑफ यूजर इंडिया जो है वो नंबर 4 पे रैंक कर रहा है, जो कि सच कहूं तो देख के लगता है कि क्रंचीरोल वालों को इंडिया की तरफ से अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। और सच कहूं तो इंडिया के अंदर भी देख के लगता है कि लोग जो है वो पायरेसी से ज्यादा लीगली सपोर्ट कर रहे हैं एनिमे को, जो कि काफी अच्छी बात है, क्योंकि इससे एनिमे का फ्यूचर भी और अच्छा ही होगा इंडिया में। हालांकि आप लोगों के ओपिनियन इस अपडेट को लेकर आप लोग मुझे कमेंट में जाकर जरूर बता देना। साथ इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है जुजुत्सु कैसेन के हिंदी डब को लेकर। तो यहाँ पर मैं आप लोग बता दूं कि जुजुत्सु कैसेन के सीजन 2 यानी शिबुया इंसिडेंट आर्क के अंदर कुछ 2 कैरेक्टर और हैं जिनकी हिंदी वॉइसेस रिवील हो चुकी है। जैसे अपने चोजो की हिंदी वॉइस के बारे में बात करें जिसको डब किया है विशाल मेनन सर ने। साथ इसके अलावा अक्षर जोशी सर जो है वो ताकुमा इनो को डब कर रहे हैं सीजन 2 के अंदर, जो कि काफी अच्छी न्यूज है। हालांकि इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है हिंदी डब एनिमेस को लेकर। तो इस सेक्शन के ऊपर काफी सारे लोगों की नजर पहले ही चली गई होगी और काफी सारे लोग इन सारे अपडेट्स का इंतजार कर भी रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोग बता दूं कि आप लोग आज के अपडेट से बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे, क्योंकि सबसे पहले तो हम लोग बात करें वन पंच मैन के एनिमे के बारे में, जिसको इंडिया के अंदर फाइनली हिंदी डबिंग मिलने वाली है। और यहाँ पे ये हम लोग के सोर्सेज ने खुद कंफर्म किया है, क्योंकि यहाँ पे फाइनली वन पंच मैन के एनिमे की हिंदी डबिंग के ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है। हालांकि यहाँ पे काफी सारे लोग अब यही जानना चाहेंगे कि अब ये कौन से चैनल कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगा। तो देखो ये कंफर्म तो हो चुका है कि इसके हिंदी डब के ऊपर काम स्टार्ट हो गया है। तो देखो सबसे ज्यादा चांसेस तो मुझे लगते हैं कि ये आप लोगों को ओटीटी पर ही देखने मिलेंगे, जैसे क्रंचीरोल वगैरह पर ही देखने मिल जाए। क्योंकि सच कहूं तो हो सकता है कि शायद इसको मिस इंडिया वाले चैनल ही डब करते हो, क्योंकि सच कहूं तो इससे पहले भी हम लोग को काफी टाइम पहले अपडेट आया था कि मिस इंडिया चैनल वाले काफी सारे एनिमेस को डब करने वाले हिंदी में। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद ये मिस इंडिया चैनल वाले ही डब करवाते हो, और यहाँ पे ऑब्वियस बात है कि अगर वो लोग डब करेंगे तो फिर वो इसको क्रंचीरोल को देंगे, और फिर हम लोग को क्रंचीरोल के ऊपर वन पंच मैन एनिमे का हिंदी डब देखने को मिलेगा, जिसके लिए आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हो वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर जरूर बता देना है। साथ इसके अलावा इतनी कमाल की लीक जो मैंने आप लोग को ही बताई है, वो लीक एक्चुअल में आई है लोक सेंपाई और एनिलिक्स की तरफ से, जिनको इस लीक का सबसे बड़ा क्रेडिट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हिंदी डब की लीक्स निकालना काफी ज्यादा ही मुश्किल है, और सच कहूं तो वॉइस आर्टिस्ट से बात करने वाला काम भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए यहाँ पे अगर आप लोगों को भी इनको थैंक यू बोलना है तो आप लोग थैंक यू की जगह इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि इनके पेज के ऊपर आप लोगों को काफी सारे हिंदी डब की लीक सुनने को मिलते रहेगी हमेशा। इसलिए आप लोग इन दोनों को जाके जरूर से फॉलो कर लेना। साथ साथ यहाँ पे लोग बात करें अपने नेक्स्ट एनिमे के हिंदी डब के बारे में, जो कि आता है डीमन स्लेयर के सीजन 1 को लेकर। तो ये एक्चुअल में कोई लीक नहीं है, ये बस एक रूमर है जो कि अभी इंटरनेट पर काफी ज्यादा फैल रही है। जैसे कि डीमन स्लेयर का जो सीजन 1 है उसको हिंदी डब मिलने वाला है क्रंचीरोल वालों की तरफ से, और सुन लो पहले मेरी पूरी बात, ये बस एक रूमर है जो कि फैल रही है, ये कोई भी सोर्स की तरफ से कंफर्म नहीं हुआ है, इसलिए आप लोग इसको ज्यादा सीरियसली लेके मत चलना भी। लेकिन स्टिल अगर ये रूमर जो है वो सच हो जाती है तो काफी अच्छी बात होगी फैंस के लिए। और जैसे हम लोग पता है कि क्रंचीरोल वाले आजकल एनिमेस के सीजन 1 को भी डब कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर वो लोग डीमन स्लेयर के सीजन 1 को भी डब कर देंगे तो काफी ज्यादा मेहरबानी हो जाएगी सभी के लिए। इसलिए मैं होप करता हूँ कि क्रंचीरोल वाले इस काम को करे और इसके सीजन 1 को डब कर दे। हालांकि अब तो ये आने वाले टाइम में पता चलेगा कि इसका हिंदी डब चल रहा है कि नहीं। इसलिए हम लोग बात करें अब अपने एक दूसरे हिंदी डब एनिमे के बारे में, जो कि आता है स्पाइक्स फैमिली का हिंदी डब। तो जैसे कि आप लोग पता होगा कि स्पाइक्स फैमिली के सीजन 1 का पार्ट 1 हिंदी डब के साथ अवेलेबल हो चुका है, और पार्ट 1 के अंदर कुल मिला के 12 एपिसोड है जो कि एक साथ क्रंचीरोल वालों ने अवेलेबल कर दिए। और अब इतने सारे एपिसोड देखने के बाद काफी सारे फैंस जो है वो इसके पार्ट 2 के बारे में पूछ रहे हैं कि इसका पार्ट 2 कब आएगा। तो देखो अगर आप लोग भी स्पाइक्स फैमिली के न्यू हिंदी डब एपिसोड्स का इंतजार कर रहे हो तो यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग अभी फिलहाल के लिए इंतजार करना पड़े, क्योंकि अभी तक क्रंचीरोल वालों की तरफ से पार्ट 2 की रिलीज डेट को लेकर कुछ भी अपडेट नहीं आया है। इसलिए हो सकता है कि शायद आप लोगों को 2-3 हफ्ते वेट करना पड़े। अब ये भी हो सकता है कि स्पाइक्स फैमिली के न्यू हिंदी डब एपिसोड्स आप लोगों को इसी महीने देखने मिल जाए, नहीं तो सच कहूं तो नेक्स्ट मंथ में आप लोगों को पक्का देखने मिल जाएंगे, क्योंकि स्पाइक्स फैमिली का जो सीजन 1 है उसका पूरा हिंदी डब कंप्लीट हो चुका है। और अगर डब कंप्लीट है तो शायद हो सकता है कि क्रंचीरोल वाले सही मौका ढूंढ रहे हो, और जब सही मौका उन्हें मिलेगा तो शायद वो लोग उसको रिलीज कर दे। इसलिए आप लोग अभी फिलहाल के लिए वेट करो, जैसे ही अपडेट आएगा वैसे मैं आप लोगों को बता दूंगा। हालांकि इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है अपने ताकेशी कासल को लेकर। तो जैसे कि आप लोग पता होगा कि ताकेशी कासल के रिबूट वर्जन के अंदर भुवन बाम हिंदी में डब कर रहे हैं, और यहाँ पर अगर आप लोगों ने इसके एपिसोड 1 को अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग इसको अमेजन प्राइम वीडियो पर चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ताकेशी कासल का जो एपिसोड 1 है वो अब हिंदी डब के साथ अवेलेबल है प्राइम वीडियो इंडिया पर। तो अगर आप लोग इसके एपिसोड 1 को देखना चाहते हो तो आप लोग इसको फ्री में यूट्यूब पर जाके देख सकते हो। हालांकि इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है जियो सिनेमा को लेकर। तो पोकेमॉन सीजन 12 से लेकर 18 तक अब
जियो सिनेमा के ऊपर अवेलेबल है और इसको आप लोग जियो सिनेमा के ऊपर इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु में देख सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। और आई गेस मेरे हिसाब से शायद पोकेमॉन की जो पूरी सीरीज है वो शायद अवेलेबल हो चुकी है जियो सिनेमा पर। तो अगर आप लोग पोकेमॉन के बहुत बड़े वाले फैन हो और अगर आप लोगों को पोकेमॉन के ओल्ड एपिसोड देखना है फ्री में तो आप लोग जियो सिनेमा के ऊपर जाकर डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। साथ इसके अलावा हम लोग बात करें अपने कुछ टीवी के अपडेट्स के बारे में। जैसे सबसे पहले बात करें ईटीवी बाल भारत के बारे में, तो ईटीवी बाल भारत का शेड्यूल जो है वो पूरा टाइट लग रहा है देखने से, क्योंकि आज दिवाली के मौके पे तो आप लोगों को डिटेक्टिव कोनन डायमेंशनल स्नाइपर की मूवी देखने को मिलेगी, जो कि आप लोगों को आज शाम 5:30 बजे देखने को मिलेगी। तो अगर आप लोग डिटेक्टिव कोनन के फैंस हो तो आप लोग इस मूवी को जरूर देखना, या फिर अगर आप लोग को डर लग रहा है कि आप लोग इस मूवी को आज नहीं देख पाओगे तो उसके लिए भी मेरे पास आप लोगों के लिए एक रास्ता है, क्योंकि यहाँ पे चिल्ड्रंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए ईटीवी बाल भारत आप लोगों के लिए डिटेक्टिव कोनन की बैक टू बैक 3 मूवीज लाने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली मूवी होगी द टाइम बॉम्ब स्काईस्क्रैपर, साथ ही डिटेक्टिव कोनन की फैंटम बेकर स्ट्रीट और तीसरी मूवी होगी डायमेंशनल स्नाइपर की मूवी। और ये तीनों डिटेक्टिव कोनन की मूवीज जो है वो आप लोगों को दिन के 1:30 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे तक देखने को मिलेगी। तो अगर आप लोग इन तीनों में से कोई भी डिटेक्टिव कोनन को मिस कर चुके हो तो आप लोग इनको फिर से देख लेना उस दिन। हालांकि इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है वन पीस एनिमे को लेकर। तो वन पीस को लेकर आप लोग कमेंट सेक्शन में आजकल स्पैम किए जा रहे हो, क्योंकि नवंबर आ गया और अब आप लोग पूछ रहे हो कि नवंबर आ गया वन पीस कब आएगा। तो यहाँ पर ये अपडेट आप ही लोगों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आप लोग बता दूं कि वन पीस का जो डब है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और ये हमारे सोर्सेस हिडन एक्सोडार की तरफ से ही अपडेट आया है, जिनको इस अपडेट के लिए सबसे बड़ा क्रेडिट जाएगा। और यहाँ पे अपने अपडेट में बात करें तो वन पीस के कुल मिला के अब तक 70 एपिसोड्स डब हो चुके हैं, और इसका मतलब ये है कि वन पीस को जो भी डब कर रहा है वो शायद ईस्ट ब्लू सागा को पूरा डब कर रहा है, क्योंकि ईस्ट ब्लू सागा के अंदर कुल मिला के 61 एपिसोड्स हैं और यहाँ पे देखा जाए तो 70 एपिसोड्स डब हो चुके हैं, जो कि सच कहूं तो मैं देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका हूँ। मतलब अगर मान लेते हैं कि अगर ये सोनी भी डब करते होंगे तो यहाँ पर सोनी वाले 70 एपिसोड्स को डब करके दिखाएंगे, जो कि मेरे हिसाब से इससे ज्यादा वन पीस फैंस को अब और चाहिए ही क्या। हालांकि मुझे पता है कि अभी भी आप लोगों को वन पीस के कंफर्मेशन के लिए वन पीस का प्रोमो चाहिए, जो कि मैं आप लोग बता दूं कि वन पीस के एपिसोड्स की डबिंग तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि वन पीस का एनिमे टीवी पर आएगा, इसलिए टीवी पर आने से पहले उसकी सेंसरशिप बाकी है, इसलिए यहाँ पे वन पीस एनिमे के सेंसरशिप के ऊपर अभी काम चल रहा है। लेकिन अभी सेंसरशिप चल रही है इसका मतलब ये नहीं कि प्रोमो वगैरह डिले हो जाए, क्योंकि यहाँ पे अभी भी हमारे सोर्सेज तरफ से अपडेट यही आया है कि प्रोमो जो है वो आप लोगों को 2 हफ्ते के अंदर देखने को मिल जाएगा। और सच कहूं तो मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस महीने के आखिर तक इंतजार करो, और अगर आप लोग नहीं भी कर सकते हो तो आप लोग सोनी को देखते रहो, शायद हो सकता है कि सोनी वाले इसका प्रोमो वगैरह टीवी पर दिखा दे या फिर ओवरले ही दिखा दे, कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप लोग टीवी देखते रहना। हालांकि यहाँ पे वन पीस के ऊपर इतनी सारी वीडियोस बनाने के बाद भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि वन पीस का एनिमे नहीं आने वाला है, और लिटरली काफी सारे लोग तो कहते हैं कि अपडेट अभी भी फेक है, जो कि मैं उन लोगों को क्या बताऊं क्या नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को बस यही कहूंगा कि आप लोग 100% यकीन करो, क्योंकि मैंने आप लोगों को कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया है और आगे भी कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, इसलिए यहाँ पे आप लोग हमारे सोर्सेस के ऊपर यकीन करो। मैं आप लोगों को 100% गारंटी देता हूँ कि वन पीस का एनिमे हिंदी डब में आएगा, वो भी टीवी पर, क्योंकि सच कहूं तो वन पीस एनिमे की हिंदी डब को लेकर मुझे सारी चीजें पता चल चुकी है लगभग। हालांकि जब तक कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना हो जाए तब तक मैं आप लोग बता तो नहीं सकता हूं, लेकिन यहां पे जो जो मुझे वन पीस एनिमे की हिंदी डब को लेकर पता चला है उसे सच कहूं तो मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हो चुका हूं, इसलिए यहां पर मैं आप लोग कह रहा हूं कि आप लोग इस अपडेट के ऊपर यकीन करो, आप लोग इस अपडेट के ऊपर यकीन करो, आप लोग का ट्रस्ट नहीं टूटेगा। साथ ही इसके अलावा जिन लोगों को भी इस अपडेट के ऊपर यकीन है मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग वन पीस एनिमे के लिए हिंदी डब के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो। जितनी भी आप लोग की एक्साइटमेंट है वो आप लोग इमोजी के थ्रू कमेंट कर सकते हो। हालांकि इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है कार्टून नेटवर्क इंडिया को लेकर। तो आजकल एनिमे कम्युनिटी के अंदर तो काफी सारी सैड चीजें हो ही रही है, लेकिन यहाँ पे आज आप लोग फिर से उदास होने वाले हो, क्योंकि आज ड्रैगन बॉल जी का जो है वो CNI के ऊपर एंड हो जाएगा, और शायद हो सकता है कि जब तक आप लोग ये वाला वीडियो देख रहे होगे तब तक शायद ड्रैगन बॉल जी का खत्म भी हो जाए। साथ ही यहाँ पे MHA के बारे में बात करें तो माय हीरो एकेडमिया का जो सीजन 3 है वो अभी CNI के ऊपर आ रहा है, जो कि आप लोग को आज दिन के 1 बजे से इसके न्यू एपिसोड देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग ड्रैगन बॉल जी का के बाद उसको भी देख लेना। साथ ही इसके अलावा हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है अपने सोनिए को लेकर। तो आप लोग याद होगा कि जब सोनिए के ऊपर नरूटो आया था तब काफी सारे फैंस ने उस टाइम कहा था कि नरूटो एनिमे सोनिए के ऊपर नहीं दिखाया जा सकता है, मतलब ऑब्वियस बात है कि सोनिए एक किड चैनल है और उसके ऊपर नरूटो जैसे एनिमे को दिखाना काफी ज्यादा मुश्किल था, इसलिए उस टाइम काफी सारे लोगों ने डिमांड की थी कि सोनिए को अपना खुद का एक एनिमे चैनल बनाना चाहिए। और सच कहूं तो उस टाइम सोनिए वालों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, उन्होंने नरूटो एनिमे को दिखाया था टीवी पर और भले ही सेंसरशिप के साथ दिखाया हो लेकिन दिखाया तो था। लेकिन अब नरूटो ओरिजिनल सीरीज को देखने के बाद भी अभी भी काफी सारे लोग यही शिकायत है कि सोनिए को अपना एनिमे चैनल बनाना चाहिए, जो कि सच कहूं तो सोनिए वालों ने अपना एक खुद का एनिमे चैनल बनाया है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, क्योंकि यहाँ पे सोनिए का न्यू एनिमे चैनल आप लोगों को टीवी पर देखने नहीं मिलेगा, ये आप लोग को देखने मिलेगा यूट्यूब के ऊपर, जिसका नाम होने वाला है बस वॉच एनिमे चैनल, जो कि आप लोगों को लास्ट टाइम याद होगा कि बस वॉच का यूट्यूब चैनल था जहाँ पे हम लोग को कोचिका में और हिटमैन रिबॉर्न का एनिमे देखने मिलता था, और अब जो पुराना बस वॉच का यूट्यूब चैनल था उसके ऊपर तो आप लोगों को ये सारे एनिमेस देखने नहीं मिलेंगे अब। इसलिए यहाँ पे जो अपना सोनिए का इंग्लिश चैनल हुआ करता था पहले, उस चैनल का नाम चेंज करके बस वॉच एनिमे चैनल रख दिया गया है, जिसके ऊपर अब आप लोग कोचिका में और हिटमैन रिबॉर्न का एनिमे एंजॉय कर सकते हो हिंदी डब के साथ। साथ ही यहाँ पे ज्यादा लोग पता होगा कि जो बस वॉच का चैनल है वो सोनिए का ही चैनल है, इसलिए बहुत सारे लोग कमेंट में कह रहे हैं कि नरूटो शिपुडेन का एनिमे हम लोगों को बस वॉच एनिमे
एनिमे चैनल पर देखने को मिल सकता है, जो कि मैं आप लोग बता दूं कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लोगों को नरूटो शिपुडेन हो या फिर नरूटो ओरिजिनल सीरीज, दोनों में से आप लोगों को कोई भी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए यहाँ पर आप लोग इनकी उम्मीद बिल्कुल भी मत रखना। हालांकि यहाँ पे ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सोनी ने अपना खुद का एक एनिमे चैनल बना लिया है यूट्यूब पर, तो यहाँ पर मैं यही देखना चाहता हूँ कि वो लोग इस एनिमे चैनल के ऊपर कौन कौन से एनिमेस को लाते हैं। हालांकि सच कहूं तो सोनी वाले जिस तरीके से यूट्यूब के ऊपर अपना एनिमे चैनल बना रहे हैं, उसी तरीके से अगर सोनी वाले अपना खुद का एनिमे चैनल टीवी पर भी लॉन्च कर देते तो वो काफी ज्यादा सही रहता है। और आप लोग क्या लगता है, क्या सोनी वालों को अपना एनिमे चैनल टीवी पर लाना चाहिए कि नहीं, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बताना है। और साथ ही इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तो आई होप करता आप लोग को वीडियो अच्छा होगा। तो अगर आप लोग को ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो जाकर इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। और अब मैं मिलता हूं बस तुम लोगों से ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।